लंका जाते समय रास्ते में वीर बजरंग मिली को मिली सुरसा। हनुमान जी बोले बताओ माता जी। सुरसा बोली तुम्हें ब्रेकफास्ट में खाना है। हनुमान जी बोले हमें खाओगे कि समोसा। सुरसा बोली तुम ही को खाएंगे। हनुमान जी बोले माता जी हम राम जी का काज करें माता भगवान को बता दे फिर खा ले। नहीं 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 हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले अच्छी आप तुम्हें लगी भूख और हमें लगती है भूखा। हनुमान जी बोले माता जी मान जाओ जब नहीं मानी। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं आप अपना मुंह का साइज देखो हमारे लायक है। सुरसा बोली है अच्छा। हनुमान जी बोले दिखाओ। सुरसा ने जैसे ही मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी ने रूप बढ़ाया। हनुमान जी ने जैसे ही 16 योजन का मुख सुरसा ने बढ़ाया हनुमान जी ने 32 योजन का मुख कर लिया। सुरसा बोली 32 का तुरंत सुरसा ने 100 योजन का मुख कर लिया। सत योजन तही आनन कीन्हा। 100 योजन मतलब 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर का मुख हुआ सुरसा का। हनुमान जी ने सोचा अगर हमने 200 योजन का कर दिया कान पहुंचेंगे राम जी के पास नाक जानकी माता के लफड़ा हो जाएगा। हनुमान जी छोटे बन गए और छोटे बने और चतुरता क्या की हनुमान जी तुरंत सुरसा के मुख में घुस गए। किडनी चेक करने लगे ठीक है। लीवर चेक कर ले इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। हार्ट लंग्स ठीक है गड़बड़ तो नहीं है। और जैसे ही निकले माता तुमने खा लिया हम पेट में हुआ जय बजरंग बली। सुरसा बोली हमारा तो मुंह बंद ही नहीं हो पाया। हनुमान जी बोले हम तो हुआ है पेट में देखे जांच ठीक है किडनी बहुत अच्छा। अच्छा एक बात और इस कथा से एक शिक्षा और ले लीजिए। आहा बहुत याद अच्छी याद आ गई। संकट जब सुरसा के समान बड़ा हो जाए तब संकट के सामने खड़े नहीं रहना चाहिए। संकट मोचन हनुमान जी कह रहे हैं जब संकट बहुत बड़ा हो जाए तब छोटे बन करके रह जाओ संकट अपने आप निकल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।